कराची जहां पर आपको बताएं कि वजीर इत्तलात सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ लोग साथ जाएंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे, तो ये एक ऐसा एक अजीब सा एक कारवां बनता जा रहा है, एक कॉन्वॉय बनता जा रहा है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनती है, मिलती है। और दूसरी तरफ एक आपने और जोकर मार्च भी देखा है जिसका आगाज जो है गोटकी से हुआ है। मुझे आप लोगों से भी गिला है, तमाम दोस्तों से, पीपुल्स पार्टी की रैली में आप गाड़ियां भी गिनते हैं, लोग भी गिनते हैं, क्राउड भी दिखाते हैं, दुकानें अगर कहीं बंद लोगों ने कर ली है तो वो भी दिखाते हैं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा जोकरों का कॉन्वॉय चला हुआ है जिसमें दूर दूर तक लोग जो है वो देखने को नजर नहीं आते हैं, उनमें आप कभी भी तकरीरें कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कैमरा उसकी शक्ल से नहीं हटा रहे हैं आप लोग। तो यार थोड़ा सा कैमरा घुमाओ, आवाम को भी दिखाओ, जिस तरह बिलावल साहब की तकरीर कर रहे होते हैं आप आवाम भी दिखाते हैं, यहाँ भी दिखाया करें। जब वो चवल वजीर तकरीर कर रहा होता है आप उसकी शक्ल सिर्फ क्यों दिखाते हो, बेजार करते हो लोगों को, थोड़ा सा मजमा दिखाया करो, थोड़ी सी गाड़ियां दिखाया करो कि उसमें कितनी है, या कभी कभी अगर वो जो हमारी मईशत का जो गोरकन है जिसने हमारी मईशत को दफन किया है असद उमर, तो भाई कभी कभी उसकी शक्ल से हटके उसको सुनने वाले लोगों को भी तो दिखाया करें ना। आपने नहीं दिखाया, लेकिन एक वो सखर के जलसे की वीडियो बड़ी जबरदस्त आई है इनकी, कि इन्होंने वीआईपीस के लिए सोफे लगाए हैं, फिर बाड़ लगाई है और बाड़ के पीछे कुर्सियां लगाई हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं उस वीडियो को देखें, और वो वीआईपी इसके सोफों को छोड़ने के बाद कुछ मुझे एक कतार कुर्सियों की दिखाएं जिसमें लोग, एक कतार एक सफ दिखाएं जिसमें लोग बैठे हुए हों। इसका मतलब है वीआईपी में जो इनके अहदेदार थे, जो इनके साथ आए थे, जो इनके खलीफे थे, जिनकी दावतें खानी थी, उनको बिठाया हुआ था और पीछे मजमा माशाल्लाह कुर्सियों की कतार दर कतार खाली पड़ी हुई थी। मुझे आपसे थोड़ी सी गुजारिश करनी है मेरे भाई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, हम आपसे मुतालबा करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी क्राउड दिखाएं, मजमा दिखाएं, उनके काफले की गाड़ियां दिखाएं, और इसी तरह ये जो जोकरों का मार्च है इसमें भी इनकी भी शक्लें दिखाएं, इनके साथ चलने वाली गाड़ियां दिखाएं, इनको सुनने वाले लोगों की भी शक्लें दिखाएं कि कितने लोग हैं। मैं ये समझता हूं कि बड़ी इन्होंने कोशिश की, बड़ी प्लानिंग की इन्होंने कि शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान को एक आंख नहीं भाता, जो उसको पता है कि मेरी वजारत अजमा के पीछे लगा हुआ है, जो उसको पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस के बाद वजीर वजारत अजमा का कैंडिडेट है, इमरान खान नफरत करता है उससे, लेकिन उसको यहां सूबा सिंध में क्यों भेजा कि उसके मुरीद है गोटकी में, गोटकी का मकाम इसलिए चुना कि मखदूम साहब जाएंगे उसका दीदार करने के लिए, उसके मुरीद आएंगे, थोड़ा सा धंधा पानी भी हो जाएगा, थोड़ा सा दीदार भी हो जाएगा मुरीदों का। और फिर मजे की बात ये, मैंने नहीं बनाई वीडियोस, आपके टीवी चैनल्स ने उनके मुरीदेन से जाके बात की, किसी ने पूछा कि भाई क्यों आए हो, बोला साईं का दीदार करने आए, तो बोला महंगाई है, बोला है, बोला किसने की है, बोला इमरान खान ने की है। वो आदमी जो जोकर मार्च में आया था वो मखदूम का दीदार करने, वो कह रहा है कि महंगाई है और इमरान खान ने की है। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बेशरम लोग जब लोगों में जा रहे हैं मार्च करने के लिए तो लोगों को क्या जाके बताएंगे, सिंध के लोगों को, इनका नाम क्या रखा है, हुकूक है सिंध मार्च। भाई सिंध के लोगों के हुकूक क्या है, क्या हमें गैस मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, किसने गजब की है, इन्हीं जोकरों ने गजब की है जो मार्च लेके निकले हैं। सिंध के लोगों को, सिंध के किसानों को खाद नहीं मिल रही, भाई क्यों नहीं मिल रही, इन्होंने स्मगल की, इनके एटीएम से स्मगल की है, सिंध के लोगों को खाद नहीं मिली, क्या लोगों को ये जाके बताएंगे कि हमने तुम्हारी खाद स्मगल कर दी, आ जाओ जरा हमारे साथ तो चलो, या लोगों को ये बताएंगे कि इस महीने में 6 रुपए बिजली महंगी की है, उससे पिछले महीने में 4 रुपए 30 पैसे महंगी की थी, उससे पिछले महीने में 4 रुपए 74 पैसे महंगी की थी, यार आ जाओ हमारे साथ चलो ताकि 8-10 रुपए अगले महीने भी महंगी कर दें हम, या लोगों को ये जगह बताएंगे कि 12 रुपए पेट्रोल अभी महंगा किया है, उससे पहले भी कुछ महंगा किया, उससे पहले भी कुछ महंगा किया, पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमत को 160 रुपए पहुंचा दिया है, आओ जरा हमारे साथ चलो जरा मार्च तो करो, या फिर लोगों को ये कहेंगे कि हमने डॉलर को 177 रुपए पहुंचा दिया है, जरा आ जाओ हमारे साथ चलो, या लोगों को ये कहेंगे कि हमने सिंध की जमीनें बंजर कर दी हैं, सिंध का पानी बंद कर दिया है, जरा आ जाओ ना हमारे साथ तो चलो हम मार्च करते हैं, या लोगों को ये कहेंगे कि हमने 350 अरब रुपए का मिनी बजट तुम्हारे ऊपर थोपा है, तुम्हें कंगाल किया है, तुम्हें बेरोजगार किया है, तुम्हें गरीब तर कर दिया है, आ जाओ हमारे साथ चलो, मतलब किस मुंह के साथ, किस नारे के साथ, किस स्लोगन के साथ,
किस मकसद के साथ ये जाकर मार्च करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर मार्च कर रहा है तो कह क्या रहा है वो? वो ये कह रहा है कि भाई इस मुल्क में तुमने कर दी है इसलिए लोग मेरे साथ थे। वो ये कह रहा है कि इस मुल्क की मईशत ज्यादा निकाल दी है मेरे साथ, वो है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है लोग मेरे साथ चले। वो ये कह रहा है कि लोगों को गैस महंगी कर दी है उसके बाद भी गैस नहीं मिल रही है मेरे साथ चलो। वो कह रहा है लोगों को कि तुमने पेट्रोल महंगी कर दी है तुम मेरे साथ चलो। वो लोगों को कह रहा है कि तुम्हारी दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं तुम मेरे साथ चलो। वो कह रहा है कि चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, दवाइयां महंगी हुई हैं, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई है, तुम आओ मेरे साथ चलो। अब अगर एक तरफ ये बात है जो आवाम चाहती है, जो आवाम सुनना चाहती है, तो आप देख रहे हैं कि आवाम निकल रही है। आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी के नारों पर लब्बैक कह रही है और दूसरी तरफ इन जोकरों की बातें आप सुनो। कहते क्या है? कहते हैं कि 15 साल से बैठे किया कुछ नहीं। हो भाई नहीं किया तो लोग ना निकले ना। जिन लोगों की तुम बात करते हो वो लोग तो लाखों की तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो तो पीपुल्स पार्टी के नारों के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ तुम हो, मतलब मुझे आपको कभी कभी हंसी नहीं आती थी जब ये कहते हैं 2023 में सिंध से पीपुल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा और पीटीआई की हुकूमत होगी। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं जो इस किस्म के बयान देते हैं, क्या कहकर सर की बातें करते हैं, मतलब कोई समझ कराची में वजीर इत्तला सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की लॉन्ग मार्च का आवाम में शानदार इस्तकबाल। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।